विश्वविद्यालय में पिछले दो वर्षों से स्थितियां थोड़ा पीछे हो गया भाई, और उसका कारण भ्रष्टाचार है। परसों जो घटना हुई है छात्रों के साथ मारपीट और बवाल की, उसके आप सब लोग गवाह रहे हैं। सारी चीजों का कारण भ्रष्टाचार है। हम पिछले कई दिनों से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि जो भ्रष्टाचार में आरोपित 19 लोग हैं, उनमें से 4 शिक्षक हैं, उन लोगों को कम से कम जो दीक्षांत समारोह होना जा रहा है उससे अलग रखा जाए। कुलपति जी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो लोग भ्रष्टाचार में देश के गृहमंत्री भ्रष्टाचार में आरोपित है और देश के गृहमंत्री और महामहिम राज्यपाल का स्वागत करने के लिए बनाई गई समिति में प्रमुखता से नामित है। मैंने क्या आवश्यकता है ऐसे लोगों की समिति में रहने की जो भ्रष्टाचार में शासन के द्वारा नियुक्त एजेंसी विजिलेंस के द्वारा भ्रष्टाचार में दर्ज मुकदमे, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपित। सीधा साधा मामला है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का, उनका खुला समर्थन करने का। आप लोग किस तरह से अपने प्रतिक्रिया? हम लोगों ने वीसी साहब को सीधा खुला पत्र लिखा कि साहब इन लोगों को हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि आरोपित होने का अर्थ दोषी होना नहीं, लेकिन नैतिक जीवन का तकाजा ये कहता है कि अगर केंद्रीय मंत्री एमजी अकबर को मीटू में एक आरोप लगने की वजह से पद छोड़ना पड़ता है तो यहाँ तो मुकदमा दर्ज है और नामजद मुकदमा दर्ज है। उससे पहले जौहर साहब जो पूर्व कुलपति हैं वो भी उसी मुकदमे में नामजद हैं, उनको युवोत्सव में बुलाया गया मुख्य अतिथि बना के। तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को खुला समर्थन दिखाई देता है चारों तरफ। छात्रों की किसी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, कॉलेजों की किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, मार्कशीट नहीं मिली, दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, एक भी छात्र को मार्कशीट नहीं है, एक भी मार्कशीट 18 की आज तक जारी नहीं हुई है। कैसी आवश्यकता, क्या ऐसी आवश्यकता है कि दीक्षांत समारोह आज आप लोग बुद्धि शुद्धि का? हाँ, और उसमें भी कुलपति का रवैया बहुत हठधर्मिता का।